हेलो लवली चिल्ड्रन, आज जो ये आपकी बुक है मैथ मैजिक बुक टू, जो सेकंड क्लास के लिए मैथ्स की बुक है, उसका हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका की टाइटल है जग्स एंड मग्स। सारी एक्सरसाइजेस हम करेंगे, बहुत ही फन एक्टिविटीज़ हैं इसमें, इतनी मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं कि आपको करते हुए इतना अच्छा लगेगा और उससे आपका ना वैसे दिमाग भी यूज होगा अच्छे से, काफी इसमें ब्रेन यूज होने वाला है, क्योंकि एक दो मतलब आपको काफी चीजें काउंट करनी पड़ेंगी, पर मजा बहुत आएगा करने में। तो आप अच्छे से करिए, और अगर आप एक टीचर हैं ये देख रहे हैं वीडियो, या फिर एक पेरेंट है, तो बच्चे को सारी एक्टिविटीज कराएं, ताकि बच्चे को जो ये है कि खेल खेल में ही वो काफी कुछ सीख लेगा, और वही सबसे बड़ा मोटिव होता है बच्चों को सिखाने में, जो छोटे बच्चे होते हैं, कि खेल खेल में ही काफी कुछ सीख जाए वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, जग्स एंड मग्स। इसमें मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक, बनाओ और एंजॉय करो लेमन ड्रिंक। लेमन ड्रिंक मतलब नींबू का पानी, नींबू पानी, ठीक है। यू विल नीड, आपको चाहिए होगा हाफ ए लेमन, आधा लेमन चाहिए होगा आपको, ठीक है, एक ग्लास बनाने के लिए। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब होता है पिंच, मतलब होता है चुटकी, चुटकी भर नमक। वन स्पून ऑफ शुगर, एक जो स्पून है एक चम्मच शुगर मतलब चीनी। वन ग्लास ऑफ वाटर, और एक ग्लास पानी आपको चाहिए होगा। उसके बाद है हाउ टू मेक इट, किस तरह से बनाना है। ये देखिए ग्लास ले लिया कि एक ग्लास पानी चाहिए, उसके बाद क्या किया उस ग्लास में इस बच्चे ने क्या किया, नींबू को निचोड़ दिया, लेमन को स्क्वीज कर दिया, निचोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या किया, एक स्पून शुगर डाला, ठीक है, तो हमारा उसके बाद बन गया ना, सब कुछ हो गया, सॉल्ट भी हो गया और इसमें नींबू भी डाल दिया, पानी तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास, ठीक है, और सब कुछ हो गया हमारा, बन गया नींबू पानी, ठीक है। गैस एंड देन फाइंड आउट, ये हमने खुद से गैस करना है, हमारी खुद की एक्टिविटी है जो हमने घर में करनी है, और बच्चे जो मम्मा के साथ मिलकर जरूर जरूर करना है ये एक्टिविटी, ठीक है। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ ए लेमन, एक हाफ लेमन से मतलब आधे लेमन से, आधे नींबू से आपको कितनी ड्रॉप्स मिलती हैं, कितनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस मिलता है, मतलब नींबू का जूस जो है कितने ड्रॉप्स मिलता है, कितने बूंद मिलता है, ठीक है। तो मैंने करके देखा तो मुझे 20 मिला, तो मैंने 20 लिख दी। आपका लेमन हो सकता है छोटा हो बड़ा हो, आप देखना जरूर, और अपनी बुक में उसके अकॉर्डिंग लिखना जितनी बूंदे नींबू के जूस की आपकी आधे नींबू से निकलती है। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन, और फुल लेमन से 40, आधे लेमन से अगर 20 निकली हैं तो फुल से कितनी मिलेंगी, उसकी डबल हो जाएंगी ना, 20 से डबल हो जाएंगी, 20 से डबल 40 हो गया, ठीक है। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल वन स्पून, कितनी ड्रॉप्स लेमन जूस की हैं, कितनी बूंदे जो है नींबू के रस की, उससे एक चम्मच जो भरता है, एक चम्मच भरता है, ठीक है, तो वो आप देख लेना। एक चम्मच जरूरी नहीं है कि आधे पूरे से भर जाए या कम हो, तो मेरी तो 18 जो है ड्रॉप से भरा था एक चम्मच स्पून जो है, वो मैंने इसलिए यहाँ पे 18 लिख दिया, ठीक। एंजॉय योर लेमन ड्रिंक, और फिर उसके बाद अपनी लेमन ड्रिंक को एंजॉय करिए। चलो लेमन ड्रिंक एंजॉय करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक, अगर हमने 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक के बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से ये बोल रहा है कि हमें हाफ लेमन चाहिए, एक स्पून शुगर चाहिए, एक ग्लास पानी चाहिए एक ड्रिंक बनाने के लिए लेमन ड्रिंक, ठीक है। तो अगर हमने 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाना है तो उसके लिए हमें कितने लेमन्स की जरूरत होगी, कितने की जरूरत होगी, 3 की होगी, क्योंकि हर ग्लास में कितना नींबू डल रहा है, हाफ लेमन डल रहा है ना, हाफ नींबू डल रहा है, तो कितनी चाहिए हमें, 3, ठीक है, 3 लेमन्स चाहिए होंगे, 3 में से 6 बन जाएंगे। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक, कितने स्पून जो शुगर के हैं वो आपको चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, 6, क्योंकि एक ग्लास में एक जो स्पून शुगर है वो डलना है, चीनी जो है एक स्पून डलेगी, तो इसलिए आपको कितने चाहिए, 6 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट ए विलेज फेयर, लेमन ड्रिंक का स्टॉल लगा है कहाँ पर, एक विलेज फेयर में, एक गांव के मेले में। फेयर का मतलब होता है मेला, वैसे मैंने आपको इंग्लिश के लेसन कराते हुए ये बताया था फेयर वाला, ठीक है, तो वो अगर आपने देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फेयर का मतलब होता है मेला, ठीक है। देयर इज अ फेयर इन चैत्रास विलेज, चैत्रा एक लड़की है, उसके विलेज में, उसके गाँव में एक मेला है। चैत्रा नजीम एंड अनीश वॉन्ट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक, ये तीन बच्चे जो हैं चैत्रा नजीम एंड अनीश, ये एक स्टॉल लगाना चाहते हैं वहां पे लेमन ड्रिंक को बेचने के लिए।
दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, एक पूरी बाल्टी जो है वो लेमन ड्रिंक की बना लेते हैं बेचने के लिए। दे यूज टू डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लासेस, वो दो डिफरेंट तरह के जो ग्लासेस हैं वो यूज करते हैं, साइज दो डिफरेंट तरह के। ये जो चैत्रा है वो बोलती है वी विल सेल वन स्मॉल ग्लास फॉर ₹5, हम जो है एक जो छोटा ग्लास है उसको ₹5 में बेचेंगे। और ये जो यहाँ पर है अनीश, ये कह रहा है लेट अस सेल वन बिग ग्लास फॉर ₹10, और अनीश कह रहा है कि जो बिग ग्लास है बड़ा ग्लास है उसको ₹10 में बेचते हैं हम, ठीक है प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर नजीम बोल रहा है ओके, वो भी इनसे सहमत हो गया इस बात के लिए। तो छोटा ग्लास ₹4, बड़ा ग्लास ₹4, ठीक है इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये स्टॉल के आगे जैसे लगाते हैं ना ये बोर्ड लगाया हुआ, लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है चलो देखते हैं कि क्या आगे पूछते हैं हमसे, आखिर तो चैप्टर कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, अनीश गॉट अ जग, अनीश जो है उसके पास एक जग है, ठीक है। डू यू थिंक इट इज इजियर टू पोर इन टू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट, मतलब कि आपको लगता है कि अगर किसी ग्लास में हमने पोर करना है ना वो लेमन ड्रिंक, तो वो इजी हो जाएगा जग से पोर करना डालना बजाय कि बकेट से। बकेट से तो अगर सीधा आप ग्लास में डालना चाहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, गिर भी सकता है, लेकिन अगर आप उसको पहले जग में भर लोगे और फिर जग के बाद आप ग्लास में डालोगे तो इजी हो जाएगा ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इजी हो जाएगा ना। चलो ठीक है, आगे कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी आपके सारे डाउट, ठीक है। नजीम फाउंड दैट टू बिग ग्लासेस फिल द जग, नजीम ने देखा कि दो बड़े ग्लासेस जो हैं उनसे जग जो है वो भर जाता है, मतलब एक जग में कितने ग्लासेस आ जाते हैं बड़े वाले, टू टू ग्लासेस आ जाते हैं, ठीक है। शबनम वॉन्ट्स टू बाय वन जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, शबनम जो है वो खरीदना चाहती है एक पूरा जग लेमन ड्रिंक का। हाउ मच डज शी नीड टू पे, उसको कितना पे करना पड़ेगा, ₹20, क्यों, क्योंकि दो बिग ग्लासेस आए ना और एक बिग ग्लास कितने का है ₹10 का, एक जो बड़ा ग्लास है वो ₹10 का है ना, तो उसमें दो बड़े ग्लासेस आए हुए हैं तो उसको 10 10 10 2 करके 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, तो ₹20 उसको देने पड़ेंगे अगर वो पूरा जग लेना चाहती है लेमन ड्रिंक। लेमन ड्रिंक लेना है, जग नहीं लेना, सिर्फ साथ में उसको जग नहीं मिलेगा ₹20 में, सिर्फ लेमन ड्रिंक की बात हो रही है। चैत्रा फाउंड दैट टू स्मॉल ग्लासेस फिल वन बिग ग्लास, चैत्रा ने देखा कि जो बड़ा ग्लास है ना वो टू स्मॉल ग्लासेस से फिल हो जाता है, मतलब बड़े वाले ग्लास में अगर दो स्मॉल ग्लासेस डालते हैं तो वो फिल हो जाता है। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग, जग में अगर छोटे ग्लासेस से नाप कर डालना है तो कितने ग्लासेस में फिल होगा वो जग, 4 में, क्योंकि बड़े ग्लासेस 2 आ रहे हैं ना तो छोटे ग्लासेस कितने आएंगे, 4 आएंगे, है ना, क्योंकि दो छोटे ग्लासेस से एक बड़ा ग्लास फिल हो जाता है। आप ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत इजी है, बहुत मजेदार चीज है, मुझे करवाते हुए इतना मजा आ रहा है। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग, और अगर पूरे जग को भरने में 4 छोटे ग्लासेस चाहिए तो आधा जग भरने के लिए कितने चाहिए छोटे ग्लासेस, 2, क्योंकि अगर 4 से पूरा जग भर जाता है तो 2 से आधा भर जाएगा, है ना, ठीक है ना। फन इन फिलिंग वेसल्स फाइंड आउट, मतलब फन इन फिलिंग वेसल्स, मतलब वेसल्स मतलब होता है अलग अलग तरह के बर्तन, बर्तनों को फिल करने में जो मजा है वो हम करने जा रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल, आपके घर में कोई बॉटल होगी उसमें आप देखो कप ले लो एक, उसमें देखो कि कितने कप पानी डलता है और फिर वो बॉटल फिल हो जाती है, नोटबुक पे लिख लेना। फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट, पहले गैस करना है आपने कि आप तो कहोगे कि मुझे लगता है कि 4 मग से 4 कप से ना पूरी बॉटल भर जाएगी, पहले गैस वाला लिखो फिर लिखो रियल में कितना हुआ। नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप, और फिर एक और कोई बॉटल ले लो अलग सी और सेम कप को यूज करो और देखो कि उसमें कितने कप पानी आता है। फिर विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर, फिर देखो कि पहले वाली बॉटल या दूसरे वाली बॉटल किस में लेस वाटर आता है, कम पानी आता है, फर्स्ट वन में या सेकेंड वन में। फिर उसके बाद ट्राई इट विद अनदर बॉटल, फिर एक और बॉटल के साथ ट्राई करो, थर्ड बॉटल के साथ। विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है, तो तीनों बॉटल्स में से किस बॉटल में सबसे कम पानी आया, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर एक बॉटल आपकी 4 कप से भरती है, दूसरी 3 से भरती है और जो तीसरी आप बॉटल ले रही हो वो 3.5 से भरती है, तो सेकेंड बॉटल में सबसे कम पानी आया क्योंकि वो
चार में हुआ, थ्री एंड हाफ में थर्ड वाली में हुआ, थ्री में सेकंड वाली में हुआ। तो आप बोलोगे लीस्ट वाटर जो है वो थर्ड सेकंड वाली में आता है। क्यों? क्योंकि जिसमें सबसे कम पानी आएगा ना तीनों बॉटल्स में से, उसमें लीस्ट होता है वो, लीस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनैना एंड जसप्रीत ब्रॉट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। सुनैना और जसप्रीत ने क्या किया, अलग अलग जो बर्तन है किचन में से ले आए। दे हैड ए जग, उनके पास एक जग था, एक ग्लास था, अ मग, एक मग था, अ पॉट, एक पॉट था, और एक बोल। ठीक है, और एक बोल ले आए। तो ये अलग अलग चीजें ले आए। ये बच्चों के साथ एक्टिविटी जब करेंगे ना पेरेंट्स, तो मदर्स प्लीज इरिटेट मत होना कि गन डाल दिया घर में या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा जो है सीखेगा इससे बहुत कुछ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डलेगा, पानी वानी गिर जाएगा, तो आप बच्चे की हेल्प भी ले सकते हो उसको क्लीन करने में, नहीं तो कोई इतनी बात नहीं है, कर ही लोगे आप। बच्चा जो है काफी कुछ सीख जाएगा इससे। ठीक है, दे फील्ड, और उनके लिए फन भी बहुत हो जाएगा, बहुत मजा हो जाएगा। तो आप भी ना मजे लेना, इरिटेट मत होना प्लीज, मैं मदर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। दे फील्ड ईच ऑफ दीज विद अ कप, और उन्होंने इन सबको एक कप ले लिया और उससे फिल किया। जग को फिल किया, मग को फिल किया, ग्लास को फिल किया, बोल को फिल किया, और पॉट को फिल किया। पॉट मतलब होता है पतीला। ठीक है, गैस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर। गैस करो कि कौन से वेसल में सबसे कम पानी आएगा या आता है, नेचुरली बोल में सबसे कम आएगा, है ना। विच वेसल होल्ड द मोस्ट वाटर, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, मतलब मेरे हिसाब से तो पॉट में आएगा, पर जग में भी आ सकता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे तो मेरे को लगता है पॉट बड़ा है। ठीक है, तो इसमें सीख क्या रहा है बच्चा, लीस्ट वर्ड सीख रहा है कि लीस्ट का क्या मतलब है, मोस्ट का क्या मतलब है, है ना। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन, और अब आप अपने किचन से अलग अलग वेसल्स ले आइए, बच्चों को बोला जा रहा है। यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम, वो वाला कप जो आपने लिया था ना जिससे आपने बॉटल फिल करी थी, वो अलग अलग वेसल्स को, मतलब वेसल्स मतलब मैंने आपको बताया बर्तन होते हैं जो किचन में यूज होते हैं, उन सबको भरो आप कप से। काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड, और काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ कप्स जो हैं हर एक में आते हैं। फर्स्ट गैस एंड देन डू इट, पहले गैस करना है, पहले गैस करना कि इसमें ना इतने कप्स आ जाएंगे, इसमें इतने कप्स आ जाएंगे, इसमें इतने कप्स आ जाएंगे, और फिर करो उस एक्टिविटी को। जैसे कि बोल को देखो कितने कप्स टू फिल वाटर, जैसे मेरे हिसाब से 2 आ गया। जग को अगर फिल करना हुआ वही वाले कप से, तो सपोज 10 से भर गए, है ना। तो ग्लास में सपोज आ गया आपका 2.5 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकते हैं, है ना। और पॉट में जैसे है, पॉट में आप सोच लो कि 15 आ गए वही वाले जो आपके कप्स हैं जिससे आपने नापा है, ठीक है, डाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना। रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर, और रिंग मतलब गोला लगाओ उस पिक्चर के ऊपर जिसमें ज्यादा पानी आता है, मोर वाटर। ये देखो बच्चे ने मोस्ट भी सीख लिया, मोर भी सीख लिया, लीस्ट भी सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में भी, लीस्ट मोर मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो ये देखो बच्चे को खेल खेल में कितना अच्छा सिखाया जा रहा है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और वैसे मैं तो देख रही हूँ कि सारे चैप्टर्स जो है ना इस बुक के सारे इतने एजुकेटिव हैं, बच्चे को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। मोर वाटर, मोर वाटर मतलब ज्यादा। तो इसमें देखो बकेट और मग है, नेचुरली बकेट में ज्यादा पानी आता है। ये मग है और उसका ये सॉसर, सॉसर बोलते हैं कप होता है ना, तो कप का कप में ज्यादा पानी आएगा। और यहाँ पे देखो घड़ा है और सुराही, ये घड़े में आएगा। और यहाँ पर ये दो बर्तन है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें आएगा ज्यादा वाटर, है ना। तो मोर वाटर इसमें आएगा, तो बच्चे को मोर का कंसेप्ट जो हो जाता है क्लियर इससे। रानी एंड द मिल्कमैन, अब ये एक स्टोरी है रानी एंड द मिल्कमैन की, देखते हैं कि इसमें क्या सिखाना चाहते हैं खेल खेल में। अनिल इज ए मिल्कमैन, जो अनिल है वो एक मिल्कमैन है, दूध बेचता है। मिल्कमैन मतलब होता है जो दूध बेचता है वो। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरीडे, वो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, जैसे आप लोग भी घर में अगर आपकी मम्मा 2 लीटर दूध लेती है तो रोज 2 लीटर ही लेती होंगी, अगर 1 लीटर लेती है तो रोज 1 लीटर ही, है ना। तो सेम अमाउंट ऑफ मतलब सेम अमाउंट ऑफ, जितना लीटर वो देता है मिल्क वो रोज वहां पे देता है रानी के घर में। ही यूजेज अ मग 3 times टू फिल रानीज मिल्क पॉट, और रानी जो पॉट लेके आती है उसमें वो रोज 3 मग डालता है, ठीक है, तो उसका फिल करने के लिए। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क, एक दिन रानी की मम्मा ने रानी को डिफरेंट पॉट दे दिया मिल्क लेने के लिए। एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप, हर रोज रानी का जो पॉट है वो टॉप तक फिल हो जाता था।
बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली. बट आज रानी ने देखा कि पॉट जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, पूरी तरह से फिल नहीं हुआ. तो रानी ने कहा ओह टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क, आज अनिल ने ना मुझे कम दूध दिया. आपको क्या लगता है कम दूध दिया होगा? नहीं ना, उसकी मम्मा ने उसको डिफरेंट पॉट दे दिया, डिफरेंट पतीला दे दिया, वो पतीला बड़ा होगा तो बड़े पतीले में नेचुरली वो पूरा ऊपर तक नहीं भरा होगा. तो रानी को देखो क्या सोच रही है, आप तो नहीं ऐसे सोचोगे ना अगर आपको मिल्कमैन ने ऐसे किया. आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आज बड़ा पतीला है, आज बड़ा पॉट दिया मम्मा ने, तो इसलिए पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, है ना. डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानी लेस मिल्क, क्या आपको लगता है कि अनिल ने रानी को कम मिल्क दिया? नहीं ना, हेल्प हर, उसको हेल्प करो भैया, उसको समझाओ. अगर कोई भी बच्चा आपके आसपास जो है इस तरह की बात करता तो उसको समझाओ कि ये बात नहीं है भैया, दूध तो उसने उतना ही दिया है, आज तुम्हारा पॉट बड़ा है तो इसलिए वो ऊपर तक नहीं भर रहा है, ठीक है. हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे, आपकी मम्मा जो है वो हर रोज कितना मिल्क बाय करती है? जैसे मैंने तो 2 लीटर्स लिखा है, आपकी मम्मा से पूछ लेना आपकी कितने लीटर्स वो रोज लेते हैं, वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है. अगला है ट्राई योर सेल्फ, देखते हैं इसमें क्या एक्टिविटी है. ट्राई योर सेल्फ में टेक 5 different types ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन, अपने घर से ना 5 बड़े बर्तन ले लो किचन में से. बड़े बर्तन मतलब पतीला ले लिया, कढ़ाई ले ली, है ना, इस तरह के कुछ भी 5 बर्तन ले लो, कुकर ले लो. फिल ऑल ऑफ देम 1 by 1 विद 1 jug फुल ऑफ वाटर, सबको ना 1 jug पानी डाल दो, सब में 1 1 jug पानी डाल दो. व्हाट डू यू सी एंड व्हाई, क्या देखते हो आप? कोई तो वेसल जो है वो पूरा भर जाएगा, कोई वेसल आधा भरेगा, कोई वेसल 3/4 भरेगा, 3/4 मतलब पौना भरेगा, कोई पूरे से थोड़ा सा कम होगा, कोई हाफ से थोड़ा सा कम होगा, है ना. क्यों हुआ? क्योंकि पानी उतना ही डाला आपने 1 जग, लेकिन वेसल्स जो है आपके बर्तन जो है उनका साइज अलग अलग है तो वो अलग अलग होगा, तो इसीलिए हुआ. वाई मतलब आपको पता चल गया ना क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइज के वेसल्स हैं आपके, ठीक है. टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात करिए, और कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना. आगे है वो वाला, हो गया आपका खत्म वो वाली एक्टिविटी रानी एंड द मिल्कमैन. अगली एक्टिविटी आ गई थर्स्टी क्रो, ठीक है. थर्स्टी क्रो में चर्पी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, एक क्रो था चर्पी क्रो, वो बहुत ही प्यासा था. इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर, वो इधर उधर उसने हर जगह देखा बट पानी उसको नहीं मिला. सडनली इट सॉ अ पिक्चर, मटका, एक सडनली मतलब अचानक ही उसको एक मटका दिखा. व्हेन इट ट्राई टू ड्रिंक वाटर, जब वो वहां से पानी पीने की कोशिश करी उसने, इट फाउंड देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर, उसने देखा कि पिक्चर में बहुत ही कम पानी है. इट सॉ पेबल्स लाइंग नियर बाय, उसने देखा कि वहां पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं. तो आई हैव एन आइडिया, तो कौवे ने कहा मेरे पास एक आइडिया आया है. इट पुट द पेबल्स इन टू द पिक्चर 1 by 1, उसने वो पेबल्स थे जो छोटे वाले पत्थर थे वो एक एक करके पिक्चर में डाल दिए, पिक्चर मतलब मटके में डाल दिए. द वॉटर केम अप, पानी जो है वो ऊपर आ गया. चिर्पी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पी लिया और क्या हुआ, फिर वो उड़ गया, ठीक है. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिर्पी, क्या आप भी चिर्पी कौवे की तरह बनना चाहते हो? मतलब एक एक्टिविटी कराना चाहते हैं ये आपसे. डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वॉटर इन द पिक्चर केम अप, क्या आपको पता है कि पानी जो है वो मटके में कैसे ऊपर आया, कैसे आया? वो नीचे डाला ना उसने पत्थर डाले छोटे छोटे, वो नीचे बैठते गए और पानी ऊपर आता गया, है ना. टेक 2 glasses ऑफ द सेम साइज, अब आपको क्या करना है, 2 glasses लेने हैं सेम साइज के. फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर, दोनों ग्लासेस को ना हाफ भर लो पानी से, आधा भर लो पानी से, ठीक है. यू हैव टू पुट टैमरिंड सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप, आपने क्या करना है फर्स्ट ग्लास में, मतलब एक पहले वाले ग्लास में टैमरिंड मतलब इमली के जो बीज होते हैं ना वो डालने हैं आपने, ठीक है, पानी को ऊपर लाने के लिए. गेस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इन, आप गेस करो कि आपको कितने सीड्स चाहिए होंगे इमली के डालने के लिए उसमें. नाउ डू इट, और फिर करके देखो जितना सोचा था उतना ही हुआ या ज्यादा डले, ठीक है. काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज, और कितने सीड्स आपके इमली के सीड्स यूज हुए पानी को ऊपर लाने के लिए वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है. नंबर ऑफ सीड्स, सपोज अगर 20 यूज हुए तो 20 लिख देना, 25 यूज हुए तो 25 लिख देना, जितने भी यूज हुए, ठीक है. नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास, मार्बल्स क्या होता है छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं ये भी, ठीक है. तो वैसे कंचे जो होते हैं ना, कंचे जिससे बच्चे खेलते हैं वो भी, उनको भी मार्बल्स बोलते हैं, ठीक है, नहीं तो गोल गोल छोटे छोटे पत्थर हैं. अब उतने ही जितने आपने इमली के सीड्स लिए थे उतने ही मार्बल सेकेंड ग्लास में डालो. व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, ठीक है. तो आपको लगेगा कि वो कम डलेंगे थोड़े,
ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से इमली के सीड से बड़े होते हैं। रिपीटेड विद स्टोन्स, और स्टोन्स के साथ भी वही चीज रिपीट करो, ठीक है। व्हाट हैपन्स नाउ, आप देखो क्या हुआ भाई, क्योंकि स्टोन्स डालोगे, स्टोन्स मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर है, मार्बल से बड़े होते हैं वो, ठीक है। तो बड़े पत्थर जब डालोगे तो वो और भी कम डलेंगे। क्यों हुआ ऐसा, वो आपको पता है कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो इमली के सीड्स जो हैं वो छोटे थे इसलिए ज़्यादा डले, मार्बल उससे बड़े थे इसलिए इमली के सीड से ज़्यादा डले, और जो स्टोन्स थे वो उससे बड़े थे इसलिए उससे भी कम डले। टॉक अबाउट इट इन द क्लास, तो इस क्लास में इसके बारे में बात करी जाए, टीचर्स जो हैं हेल्प करें बच्चे की इस एक्टिविटी को करने में। और अगर आजकल जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो पेरेंट्स प्लीज़ हेल्प करो बच्चे की ये वाली एक्टिविटी कराने में, और डिस्कस करें उनसे, ठीक है। वाटर इज यूजफुल, अगली एक्टिविटी है, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज यूज इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कि कितना पानी जो है यूज होता है आपके घर में इन सब एक्टिविटीज के लिए, वो मग्स में भी हो सकता है, बकेट्स में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे नहाने के लिए, सभी के नहाने के लिए कितने बकेट्स यूज होती है, मग्स तो नहीं ना आप करोगे, तो कितनी बकेट्स यूज होती है, खुद आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बकेट से नहाते हो। मम्मा से पूछो, पापा से पूछो, सिस्टर ब्रदर उनसे पूछो, टोटल करके यहाँ लिख दो। ये है वॉशिंग क्लोथ, मतलब कपड़े धोने में कितने बकेट्स यूज होता है, एक बाल्टी है ना, और किचन के काम में मम्मा को जो खाना कुक करने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए कितने बकेट्स पानी चाहिए होता है, बकेट्स मतलब बाल्टी, और पीने के लिए सबको कितने बकेट्स चाहिए होती है, या फिर मग्स में लिख सकते हो ये आप, है ना। गेस एंड देन फाइंड आउट, अगर जो बकेट्स में होगा तो बकेट्स में, सपोज सबको नहाने के लिए 10 बकेट्स चाहिए तो आप लिख दोगे 10 बकेट्स, और यहाँ पे अगर पीने के लिए पानी सबको 20 मग्स चाहिए तो आप लिख सकते हो कि 20 मग्स, है ना। इस तरह से गैस एंड देन फाइंड आउट, गैस करो और फिर देखो हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल वन बकेट, जो आपकी बकेट है ना एक, वो कितने मग्स पानी से फिल हो जाती है, तो यहाँ पे लिख देना। सपोज 20 मग्स से होती है, 18 मग्स से होती है, जितने भी मग्स पानी से आपकी एक बाल्टी भरती है वहां पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक बाथ, आप ये सिर्फ आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए नहीं, यहाँ तो पूरी फैमिली के लिए था ना, कि जो कितने बकेट्स ऑफ वाटर आपको चाहिए नहाने के लिए, वन चाहिए तो वन लिख देना, टू चाहिए तो टू लिख देना, कितने आप यूज करते हो, है ना, चाहिए मतलब हर रोज कितना यूज करते हो। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक बाथ, अब कितने मग्स ऑफ वाटर आप यूज करते हो नहाने के लिए। बकेट से अगर आप देखोगे कि 15 बकेट से 15 सॉरी मग से एक बकेट भर जाती है, और अगर आप सपोज 2 बकेट्स पानी यूज करते हो तो कितने मग्स ऑफ वाटर हो गए, 30 हो, क्योंकि ये बहुत ही समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों हमने ऐसे बोला 30, क्योंकि देखो अगर एक मग सॉरी एक जो बकेट है अगर वो 15 मग से भरती है ना, तो अगर आप 2 बकेट्स यूज करते हो, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक ए बाथ, अगर आप 2 बकेट्स यूज करते हो तो कितने मग्स आपको चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे 30, क्योंकि 15 से एक भरती है और 15 से एक भरती है ना, तो 15 प्लस 15 30 हो गया, एक बकेट ये होगी एक बकेट ये होगी, और उनको दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इतने मग्स आपको चाहिए पानी के नहाने के लिए, और 2 चाहिए आपको बकेट्स, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या है, हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून, एक बलून में जो है कितना पानी आता है, तो आपको लिख देना, 1 मग आया, हाफ मग आया, जितना भी आया वो लिख देना ट्राई करके। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन, पिचकारी, एक पिचकारी में कितना पानी चाहिए होगा उसको फिल करने के लिए, तो फिल करके आप देख लेना, उसमें 1 मग आता है, 2 मग्स आते हैं, 1.5 आता है, जितना भी आता है आप लिख देना यहाँ पे। अगला है, आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस, ये क्या है, कैमल है, कैमल जो है वो बोल रहा है कि मुझे मैं जो है 9 बकेट्स मतलब 9 बाल्टियां जो पानी की एकदम से पी सकता हूँ, ठीक है। और फिर आगे पूछा, हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक एट वंस, अगर एक कैमल 9 पीता है तो 2 कैमल्स कितनी पी जाएंगे, कितनी पियेंगे, 9 प्लस 9 कर दोगे ना, ये एक कैमल की होगी और ये दूसरे कैमल की, तो इसका आंसर होगा 18। आप प्लस भी करके देख सकते हो, नहीं तो 9 टूजा भी करके देख सकते हो, अगर आपको 9 का टेबल आता है तो सिंपली 9 टूजा 18, तो 2 कैमल्स जो हैं वो क्या करेंगे, 18 बकेट्स ऑफ वाटर एकदम से पी जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और आपने काफी इंजॉय किया होगा और खूब इंजॉय करोगे भी इसके बाद, क्योंकि एक्टिविटीज आप खूब सारी करोगे। जहां जहां आपको कोई दिक्कत आएगी दोबारा से वीडियो देख लेना,
नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूंगी आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की। और अगर ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, वो इसलिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने जो एफर्ट डाला है इस वीडियो को बनाने में वो आपको अच्छा लगा है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे तो बेल को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, वो इसलिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देखकर मेरी वीडियोस को इंटेलिजेंट बनते चले जाएं। किसी भी हालत में कन्फ्यूजन किसी हालत में नहीं रखना, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे प्लीज़। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ का मतलब होता है अपना ध्यान रखिएगा।